जय हिंद दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की 4,438 पदों पर भर्ती निकली हुई है। काफी बड़ी मात्रा में भर्ती निकली हुई है, 4,438 पदों पर। पुलिस कांस्टेबल के पद पर है जो सामान्य जनरल पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल चालक के पदों पर है, ड्राइवर के पदों पर, और पुलिस कांस्टेबल बैंड, पुलिस कांस्टेबल दूर संचार यानी कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो ये चार पदों पर, 4,438 पदों पर भर्ती है। इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल बताने से पहले बता दें कि हमारे चैनल में रोजगार से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके स्टेट के कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगे। शुरू करते हैं। स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की 10/11/2021, 10/11/2021 से लास्ट डेट है 3/12/2021, 3 दिसंबर 2021 से पहले फॉर्म भर लें। इसके बाद देखते हैं पोस्ट या जो पद दिए हैं उसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा की संभावित डेट है माह दिसंबर या जनवरी में हो सकती है 2022, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 तक हो सकती है। उसकी सूचना वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो उसकी भी सूचना हम दे देंगे जैसे ही डेट आ जाएगी। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जा सकते हैं, ऑफलाइन की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर कोई दिक्कत आती, परेशानी आती, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके थ्रू आप देख लेना क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद जो फॉर्म भरे जाएंगे, दो तरीके से फॉर्म भर सकते हो, स्वयं अपने मोबाइल या लैपटॉप से भर सकते हो, उसके लिए लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे आप डायरेक्ट जाके भर सकते हो, नहीं तो इनकी वेबसाइट से भी भर सकते हो, दोनों में किसी एक से। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है ई मित्र, यानी कि ई मित्र जो जन सेवा केंद्र होते हैं उनके थ्रू भी भर सकते हो। उनके थ्रू भरोगे तो और अच्छा रहेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, अच्छे से फॉर्म भर जाएगा। अगर आप भरने में असमर्थ हैं तो आप ई मित्र के थ्रू या जन सेवा केंद्र के थ्रू भर देना, जन सुविधा केंद्र के थ्रू भी भर सकते हो। तो दो तरीके से भर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे भर देना। इसके बाद देख लेते हैं जो परीक्षा शुल्क रहेगी। राजस्थान के सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए जो आवेदन शुल्क है ₹500 होगी। अब इसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग ओबीसी एससी एसटी इनके लिए ₹400 होगी। और इसके बाद ₹500 अन्य राज्यों के जो भी भरेंगे उनके लिए ₹500 होगी। तो ये ध्यान रखना, 500 और 400 दो तरीके की फीस है, जो जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार भर दे दें फीस, उसमें जमा करनी पड़ती है, ऑनलाइन ही भरी जाएगी। जो खिलाड़ी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए 62 पद रिजर्व हैं। जो भी प्लेयर प्लेयर जो नेशनल और लेवल में रहते हैं उनके भी पद होते हैं, और जो राज्य लेवल में होते हैं वो भी पद होते हैं। अभी पदों का विवरण दिया हुआ है, इसको मिनिमाइज करके थोड़ा देख लेते हैं, जूम आउट करके। इनमें पद काफी बड़ी मात्रा में दिए हुए हैं, तो उनका अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। तो आप ये देखना, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डिवाइडेशन किया है, लेकिन हम बरवली पूरा एक तरफ से बता देते हैं कितना क्या है। पुरुष और महिला के लिए अलग अलग दिया हुआ है, पुरुष और महिला के लिए, तो सब में जनरल कास्ट के पुरुष के लिए है और महिला के लिए। काफी बड़ी मात्रा में दी है, तो हर कैटेगरी दिया गया है, पिछड़ा है, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, सबके लिए अलग अलग दिया है। तो ये अपनी कैटेगरी में जितना राज्य आरक्षण देती है उतना आरक्षण आपको मिलेगा। इसके लिए एक बात और बता दें, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अलग पदों का दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिक तो उनके लिए अलग पदों का दिया है, तो उनके लिए काफी बड़ी मात्रा में 580 पद उनके लिए रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिक जो भी है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक मैंने और वीडियो बनाया है जिसमें वो जैसे सीएसडी कैंटीन यूनिटों में होती है वैसी कैंटीन का आप अपना सिविल में भी खोल सकते हैं, वैसी कैंटीन का। वो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लें। अगर कैंटीन खोलना चाहते हैं सैनिक कैंटीन, तो आप सिविल में भी खोल सकते हैं जिसमें कि आम नागरिक भी सामान ले सकता है। तो काफी बड़ी मात्रा में उसमें
आपकी इनकम हो सकती है अगर आप वो कैंटीन खोल ले, तो उसका वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद देख लेते हैं टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पद की अगर बात करें तो ये सिर्फ 3,536 पद हैं जो बैंड वालों को छोड़ के, और 544 पद हैं एक्स सर्विसमैन के, काफी बड़ी मात्रा में है। इसके बाद आगे भी और पद दिए हैं, उनके अलग हैं, तो इसमें भी भूतपूर्व सैनिक हैं 19 पद और टोटल है 154। ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का अलग से दिया गया है, कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट। इसके बाद चालक के लिए अलग है, तो ऊपर वाले थे जो जनरल पुलिस कांस्टेबल के थे, ये चालक के और इसके बैंड के अलग है। ये पूरे पद दिए हैं तो इसका इतना बताना ठीक नहीं है, 4,434 पद हैं टोटल, तो इतना समझ लें। इसके बाद महिलाओं के लिए 30% आरक्षण राजस्थान में मिलता है, तो वो 30% मिलेगा, जिसमें कि 8% विधवाओं के लिए है और 2% तलाकशुदा महिलाओं के लिए है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन राजस्थान में जो देते हैं वो 12.5% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों का है राजस्थान में, तो टोटल पद उनके 580 पद हो जाते हैं 12.5 की देखते हुए। काफी बड़ी मात्रा में भूतपूर्व सैनिक जरूर अप्लाई करें। इसके बाद राजस्थान का होना, निवासी उनका होना जरूरी है, अगर जो भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर रहे हैं ध्यान रखें। बाकी अगर कोई अदर स्टेट के अप्लाई करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान के लोग रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वेतन और पेंशन की बात करें तो वेतन इनका 14,600 रुपये बेसिक रहेगा, जो पे लेवल 5 का वेतन मिलेगा, तो काफी अच्छी वेतन रहेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 1/4/2001 से अंशदायी पेंशन लागू है, तो अंशदायी पेंशन मिलेगी। इसके बाद लिखित परीक्षा भी होगी, राजस्थान की संस्कृत का नॉलेज भी होना चाहिए और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। और इसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th पास मांगा गया है, किसी भी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 12th पास होना चाहिए, और अगर बैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैंड के लिए 10वीं पास ही मांगा गया है ध्यान रखें, बाकी के लिए 12th मांगा गया है। अगर पुलिस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, दूर संचार डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए 12th में, तो ध्यान रखें जो साइंस साइड रहते हैं उनके लिए है पुलिस कांस्टेबल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी आपकी। इसमें सामान्य वर्ग के लिए आयु होनी चाहिए 2/1/98 से 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए ध्यान रखें, और महिला की 2/1/93 से 1/1/2004 के बीच में महिला होनी चाहिए, ये महिलाओं के लिए दिया है। इसके बाद EWS SC ST OBC इनके लिए दिया है 2/1/93 से 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। तो और जो पूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनकी आयु होनी चाहिए 2/1/79 से 2/1/79 से 1/1/2004 के बीच में आयु होनी चाहिए ध्यान रखें। तो ये आयु का है, आयु आप देख लेना, नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हाइट की बात करें 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। मिनिमम वजन आपका 50 kg होना चाहिए पुरुषों का, महिलाओं का 47 kg होना चाहिए, 47.5 kg। इसके बाद चिकित्सीय मापदंड अगर देखा जाए तो आई जो होनी चाहिए 6x6 या 6x9 में से कोई एक होनी चाहिए ध्यान रखें, और आपके घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, फूली हुई नसें नहीं होनी चाहिए, भैंगापन नहीं होना चाहिए, रतौंधी नहीं होनी चाहिए, आंखों में भैंगापन नहीं होना चाहिए, दृष्ट दोष कोई नहीं होना चाहिए, अकलाना नहीं चाहिए, पैर समतल नहीं होनी चाहिए, हरिनिया नहीं होनी चाहिए, शल्य प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं, और इसमें लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, टोटल 200 अंक होंगे, लिखित परीक्षा के 150 अंक, और शारीरिक परीक्षा होगी जो फिजिकल वो 30 नंबर का होगा। तो अगर गलत अंक आपने कोई
निगेटिव मार्किंग है तो गलत अंक का 1/4 कटेगा, 25% कट जाएगा, ध्यान रखें। तो ये था राजस्थान की पुलिस की भर्ती का जॉब नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके स्टेट के जॉब के नोटिफिकेशन आपके मिस ना हो। थैंक यू, जय हिंद।